hello guys uh, welcome back to our channel the information tree i hope you all are safe and staying at home before starting this video if you are new to our channel please subscribe our channel and also press the bell icon so that you won't miss out any new notification वेन न्यू वीडियो कम्स अप सो या लेट्स गेट स्टार्ट टूडेज़ वीडियो सो आज मैं आपके साथ एक जॉब की इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने निकाली है इसने एस बी आई क्लर्क टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की वैकेंसीज निकाली हैं पोस्ट निकाली है जो कि ऑलमोस्ट लास्ट वीक इन्होंने ये नोटिफिकेशन आउट करी थी अराउंड फाइव थाउजेंड प्लस पोस्ट है विच इज़ क्वाइट हाई इन नंबर सो इसमें एज क्या है फीस क्या है इसकी एग्ज़ाम पैटर्न क्या है वो सब हम डिस्कस करते हैं सो so, सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की तो जैसा कि मैंने आपको बताया लास्ट वीक की नोटिफिकेशन के लिए तो ट्वेंटी सेवन्थ ऑफ अप्रैल से फॉर्म फ़िल करे जाने शुरू हो गए हैं लास्ट डेट जो है फॉर्म फ़िलिंग की वो है सेवनटीन ऑफ मे टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ऑलमोस्ट टेन डेज नाइन डेज ही रह गए हैं सो प्लीज़ जल्दी से जल्दी ये फॉर्म फ़िल कर दीजिएगा एंड ऑल्सो लास्ट डेट का वेट मत करना सर्वर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है प्री एग्ज़ामिनेशन की टेंटेटिव जो डेट है डेट भी नहीं ऑलमोस्ट इन्होंने सिर्फ मंथ दिया है कि जून 2021 में हो सकता है टेंटेटिव है और मेंस एग्जामिनेशन की भी टेंटेटिव डेट दी है इन्होंने दैट इज़ थर्टी फर्स्ट ऑफ जुलाई 2021 फीस की मैं बात करूं तो जर्नल ओ बी के लिए रुपीज़ सेवन फिफ्टी है एंड बाकी अदर के लिए एस सी एस वगैरह के लिए कोई फीस नहीं है निल फीस है एजुकेशन की हम बात करते हैं सो so क्वालिफ़िकेशन में आप ग्रेजुएट होने चाहिए इट्स अ ग्रेजुएशन बेस्ड जॉब सिक्सटीथ ऑफ ऑगस्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तक आपकी ग्रेजुएशन जो है हो जानी चाहिए यू शुड हैव अ प्रूफ एंड ऑल्सो अगर आप फाइनल ईयर में या लास्ट सेमेस्टर में तो भी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कंडीशन यही है कि आपकी सिक्सटी ऑफ ऑगस्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तक ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो जानी चाहिए एज फ़र्स्ट ऑफ अप्रैल 2021 तक आपकी एज या तो ट्वेंटी से 28 इयर्स के बीच में होनी चाहिए ना 20 से कम ना 28 से ज़्यादा इवन इन्होंने डेट भी यहाँ पर मैंशन करिए टू फोर नाइन्टीन नाइनटी एंड वन फोर टू के बीच की डेट्स होनी चाहिए आपकी मतलब बर्थ होना चाहिए और ये दोनों डेट्स भी इंक्लूडेड है इससे ना तो पहले होने चाहिए और फर्स्ट अप्रैल 2001 के बाद नहीं होना चाहिए बाकी रिलैक्सेशन है कुछ कैटेगरीज में जैसे एस सी में फाइव इयर्स का है ओबीसी में थ्री इयर्स का एंड बाकी आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो एग्जाम पैटर्न ये विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ जॉब एग्जाम में आना क्या है सो फेज़ वन होता है इसका प्री एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है तीन इसके सेक्शंस होंगे और ठीक है दैट इज़ इंग्लिश मैथ्स एंड रीजिंग मैथ्स सिर्फ अरिथमेटिक आती है एडवांस लेवल मैथ्स नहीं आती है इस ब्रेकलर्क में हंड्रेड क्वेश्चन होंगे हंड्रेड मार्क्स के होंगे एक घंटा मिलेगा लेकिन इसमें सेक्शनल टाइमिंग है मतलब हर सेक्शन के लिए अलग अलग टाइमिंग है तो so, तीनों सेक्शंस के लिए ट्वेंटी 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 मिनट्स हैं बस वही है इसमें टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए और स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए फेज़ टू मेन्स एग्जामिनेशन है इसमें चार हमारे टॉपिक्स आते हैं दैट इज़ जर्नल फाइनेंशियल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस वी कैन से जर्नल इंग्लिश आएगी क्वांट दैट इज़ मैथ्स और रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड 190 नाइनटी क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम 200 मार्क्स के और दो टू आर फोर्टी मिनट्स आपको मिलेंगे इसमें भी सेक्शनल टाइमिंग है जो कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे ओके okay. ऑल्सो नेगेटिव मार्किंग है इसमें दोनों में फेज़ वन और फेज़ टू दोनों के लिए वन फोर्थ नेगेटिव मार्किंग है पॉइंट टू फाइव की नेगेटिव मार्किंग होगी फॉर फॉर ईच रोंग आंसर ओके ऑल्सो ओके सो आपने प्री क्लियर करा आपने मेन्स क्लियर करा इसके बाद आपका एक लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा पहली बात तो आपको एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए अप्लाई करना होगा फॉर्म तो जिस स्टेट में आप जा रहे हो वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आती है या नहीं उसके लिए एक लोकल लैंग्वेज टेस्ट होता है इन केस आपने ऑलरेडी लोकल लैंग्वेज जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज uh, है उसको पढ़ रखा है आपने ट्वेल्थ में टेंथ uh, में या ट्वेल्थ में जो है उसका एग्ज़ाम दिया हुआ है एंड यू हैव द प्रूफ ऑफ दैट तो आप वो उनको शो कर सकते हो तब आपको टेस्ट देने की कोई नीड नहीं है बट इन केस आपने नहीं दिया है वो टेस्ट तो आपको लोकल लैंग्वेज टेस्ट देना होगा एंड ऑल्सो अगर आप उसमें क्वालिफाई नहीं होते हो तो आप जो है डिसक्वालीफाई हो जाओगे आगरा आपने प्री क्लियर हो या मेन्स क्लियर हो सो so, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना नोट नोट है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो प्लीज़ स्टेट देख के भरेगा जिसमें आपको लोकल लैंग्वेज आती हो वहाँ की प्रोविजनल सेलेक्शन में जो है दो चीज़ों पे सिलेक्शन डिपेंड करता है पहले तो प्री के जो मार्क्स हैं वो मेरिट लिस्ट में नहीं होते हैं फेज़ टू सिर्फ मेंस के मार्क्स मेरिट लिस्ट जो है बनाएंगे आपकी जो फाइनल सिलेक्शन आपका बेस बेस्ड होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे और आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट में आप क्वालिफाई करे हो या नहीं ओके okay? लास्ट uh, जो चीज़ है नोट uh, जो है उसमें इंपॉर्टेंट है विच इज़ अबाउट ट्रांसफ़र सो आप एक तो पहली बात सिंगल स्टेट में ही आप अप्लाई कर सकते हो सिर्फ एक स्टेट के लिए ऑल्सो कोई भी ट्रांसफ़र नहीं है ना ही इंटर सर्कल ट्रांसफ़र है ना इंटर स्टेट ट्रांसफ़र है सो so ये भी आप प्लीज़ ध्यान रखेगा होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड ऑल्सो कॉमेंट डाउन अगर कोई भी क्वेरी है या आप चाहते हो कि मैं कोई और वीडियो या टॉपिक पे वीडियो बनाऊ सो या तब तक के लिए टेक केयर गुड बाय थैंक यू